हमारे गांव की रोड में हो रहा है रिपेयरिंग का कार्य, मतलब जेसीबी आर की है जो यह है। आइए हमारे गांव में 18 तारीख को हमारी यहीं से यात्रा जाएगी, कलश यात्रा सुबह 8 बजे माँ भगवती के, सुबह 8 बजे माँ भगवती मैया के दरबार पे वहीं से कीर्तन भजन होंगे और वहीं से ही हमारी राधे राधे का जो कृष्ण भगवान जी का डोला जो है वो मासी बाजार होते हुए भूमि मंदिर में विराजमान होंगे। बोलो भगवती मैया की, बोलो भूमि बाबा की जय, राधे राधे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे प्यारे से नए से ब्लॉग में। मैं आ चुका हूँ, धीरू भाई आ चुका है आपके पास फिर से एक तरह सा ब्लॉग लेकर। और जैसा कि आप देख सकते हैं हम अभी रोड में हैं अपने गांव की, और ये देखिए सामने का मौसम। आज बारिश नुमा हुआ है पर बारिश होनी नहीं है, काले मेघा लगे हुए हैं अच्छे से। और हम भी थोड़े से पस्त थे एक दो दिन से, मतलब समझ गए होंगे पस्त हो गए थे, लड़क गया था लड़क बिस्तर में, यानी बुखार उखार हो गया था हल्का हल्का, हल्का नहीं बहुत तेज हो गया था इसलिए लटके हुए थे। और अब थोड़ा सही हो गया है तभी हमने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है ये। और इधर हमें देखने के लिए हमारा छोटा सा देखिए भतीजा, और देख रहा होगा आपको, और है कहाँ रहे आगे है ऊपर देखने लगे कौन है करके और खेल भी लगाया उधर, किधर घूम रहा है। हमारे गांव की रोड में हो रहा है रिपेयरिंग का कार्य, मतलब जेसीबी आर की है जो ये गड्ढे मड्ढे हैं और कहीं पर ऊंचा नीचा है उसे बराबरी कर रहे हैं, तो रिपेयरिंग हो रही है थोड़ा सा ऐसे ही, मतलब मिट्टी विट्टी भर के या गड्ढे हड्ढे जो पत्थर भर के हो जा रही है रिपेयरिंग करेंगे और दिखाएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं, अभी ऊपर हो रही है रिपेयरिंग, वहाँ से आएगी नीचे को होते 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 पूरी रोड की रिपेयरिंग हो गई, मतलब 2 किलोमीटर रोड की रिपेयरिंग होगी। और आवाज़ में थोड़ा अजीब लग रहा है, गला भी बैठ रहा है मेरा, कोई नहीं। तो चलिए चलते हैं आपको ऊपर को ले चलते हैं। और इधर हमारे सभी बड़े भाई लोग पापा देवता उसे भी है। मतलब काम खत्म हो गया है और अब यहाँ से नीचे को जाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं हल्के हल्के यहाँ पर गरीब है, यहाँ से फिर सही करेंगे और यहाँ से सही करते करते जाएंगे नीचे को ऊपर, फिर बाद में जो इधर ये हो रहा है झाड़ पात की सफाई होगी, इधर इधर कोने कोने में झाड़ हो गया इसकी सफाई भी होगी फिर बाद में। अभी कार्य पूरा होता हुआ और अब बढ़ रहे हैं आगे, जैसा कि सभी बड़े भाई लोग आ चुके हैं हमारे पीछे से, देखिए। हेलो गाइस, अनार खा लो यहाँ पर अनार की पार्टी चल रही है इधर, ये देखो बाहुबली आ चुका है बोतल लेके पानी की, और ये हमारे गुड्डू दा, जय माता, जय माता दी। और चल रहे हैं सभी आगे को, अब काम हो रहा है मनखेद बैंड में हमारे, और देख सकते हैं आप और गांव के सभी भाई लोग एकजुटता के साथ कार्य पे लगे हुए, कार्य में अपना योगदान देते हुए और कार्रवाई चालू, कार्य प्रगति पे है। छोटे से बड़े लेकर जितने गांव के भाई लोग हैं सब एक साथ आए हुए यहाँ पर। रोड का कार्य हमारा चलते चलते आ चुका है तलवाखी बैंड पे, और तलवाखी बैंड आप देख सकते हैं पहुँच चुके हैं तलवाखी बैंड पे हम, सामने तलवाखी, और सभी भाई लोग आ चुके हैं, और जितने भाई लोग आ रहे हैं वो सामने तलवाखी के हमारे बड़े भाई लोग आ चुके हैं सामने से।
और कार्य चलते चलते काम करते करते हम पहुंच चुके हैं। अब हमारे तलवारी गैजदा भी आ चुके हैं इधर, देख सकते हैं आप अपना योगदान देने के लिए। और अब कार्य पहुंच चुका है हमारा तूरी बैंड पे, ये तूरी का पेड़ है तो तूरी बैंड पहुंच चुका है हमारा कार्य। यहाँ पर भी कार्य हुआ संपन्न, काम हुआ संपन्न, जैसे आप देख सकते हैं एकदम बराबर कर दिए रोड और चौड़ी भी कर दी है जिससे आप आसानी हो सकती है गाड़ियों को आने के लिए। यहाँ पर थोड़ा गड्ढा है, ऊंचा नीचा होगा, इसी वजह से यहाँ पर गड्ढे भर जा रहे हैं। देखिए जो गड्ढे हो रहे हैं उनमें सफाई करी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि ऐसा होता ना, इसका ऊपर ढम 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 ऊपर नीचे जाता है, वैसे ये सीधा जाएगा, जो फ्लो है वो सीधा एकदम स्मूथ रहेगा, इसीलिए इसे खान के साफ कर दिया एकदम। अप डाउन है उसको सीधा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं एकदम साफ, एकदम प्लेन कर रहे हैं, प्लेन मेन हाईवे बन जाएगी। हाईवे है ये हमारी, अपने ये सीधा हाईवे में नाम आने वाला है इसका, मासी टू डोबरी हाईवे है ये। माता रानी की मेहर होने वाली है, हाँ माँ भगवती की कृपा होगी तो हाईवे लाइन हो जाएगी एकदम बढ़िया। और अब कार्य हमारा जो है, काम जो है, अब अपना अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। तो गैजा कैसा लग रहा है ये कार्रवाई हो रही है? तो अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर गहरा हो गया है, यहाँ पर गहरा हो गया थोड़ा, ये सुन ये थोड़ा जल्दीबाजी में कार्य हो रहा है, जल्दीबाजी में हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा माँ भगवती की कृपा बनी रहे हमारे गांव पे, बन रहे और आप सभी पे भी जो हमें देख रहे हैं, हमारे परिवार में जुड़े हैं जो। अब यहाँ पर पत्थर इसको यहाँ पर फूटा जाए तो बहुत अच्छी रोड बन सकती है, बहुत अच्छी रोड बन सकती है, जिसे आप यहाँ पर कार्रवाई चालू हो रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें होती है पर हमारा रोड रिपेयरिंग का कार्य समाप्त हुआ और आखिरकार संपन्न कार्य के साथ हमारे सभी भाई लोग अपनी वापसी घर की तरफ। माता रानी से दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें हम डामरीकरण भी कर सकें और ये हमारा हाईवे बन सके, फिर मासी टू डोबरी गांव का हाईवे बन सके। और चलते हैं घर की तरफ, सभी भाई लोग चल रहे हैं। तो गैजा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। बोलो भगवती भैया की जय, बोलो भूमिया बाबा की जय, राधे राधे। हेलो, अभी हमारी ये जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है, देखिए पूरा रास्ते की सफाई, यहाँ पर हमारे गेस्ट लोग आएंगे, यहीं से हमारा कृष्ण भगवान जी का जो है रथ आएगा। एक ऐतिहासिक महोत्सव होने वाला है, ये बहुत ही ऐतिहासिक महोत्सव जन्माष्टमी का डोबरी गाँव में, ग्राम सभा मासी के चेक डोबरी में। और यहाँ से देखिए आप पार देख सकते हैं, वो रोड है हमारी, वहीं से ये और गांव के लोग आएंगे और ये पूरी रोड हमने अभी पूरी तैयार कर दी, बेशक ये कच्ची थी थोड़ा, और भी जेसीबी लेके हमने इसको बढ़िया सा बना दिया है। आइए हमारे गांव में 18 तारीख को हमारी यहीं से यात्रा जाएगी, कलश यात्रा सुबह 8 बजे माँ भगवती के, सुबह 8 बजे माँ भगवती मैया के दरबार पे, वहीं से कीर्तन भजन होंगे और वहीं से ही हमारी राधे राधे का जो कृष्ण भगवान जी का डोला जो है वो मासी बाजार होते हुए मंदिर में विराजमान होंगे, वहाँ पर 1 घंटे का कीर्तन भजन का कार्यक्रम रखा हुआ जी आ गए हैं। और उसके बाद जो है कृष्ण भगवान जी के जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको जो है जहाँ पर उनका निवास स्थान से बनाया गया है, हर साल की भांति उनको जहाँ पे उनका डोला उठता है और वहाँ पर उनको विराजमान किया जाए। 19 तारीख को हमारा वहाँ पर जन्माष्टमी का त्यौहार होता है, वहीं पर ही डोला उठेगा पूरा मासी बाजार में, रामला ग्राउंड में। और रामला ग्राउंड में हमने इस बार बाहर से हमारे गायक कलाकार लोक नृत्य, जो हमारे कुमावनी गायक कलाकार हैं भीषण हरियाला जी और गोपाल गौवी गोस्वामी जी के लड़के रमेश गोस्वामी जी, वो भी अपनी बहुत अच्छी प्रस्तुति देंगे। भीषण हरियाला जी हमारे लोकली कलाकार पहली बार हमारे सामने उपस्थित होंगे और सभी लोगों का हाथ जोड़ के
नियोजन है कि आप इस कार्यक्रम को भव्य से भव्य बनाने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय माता दी। जय राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। ताकि आपको पहले भी हम बता चुके हैं और पूरा हमने अनाउंस भी कर दिया है, एक बार अनाउंस हम कल भी करेंगे, 18 तारीख को सुबह 9 बजे हमारे यहाँ पे कीर्तन होंगे, 9 बजे हमारे यहाँ पे पदयात्रा माँ भगवती मंदिर से पदयात्रा हमारी हमारी जो रास्ता है डोबरी से चमली बगीच होते हुए दोबट्टी होते हुए डोबरी नौले पे हमारे क्षेत्र और गांव के बीच लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, मासी जैसे मासी चौना ऊंचा बहन और हमारे कानूनी इधर की महिलाएँ और पुरुष सभी लोग और हमारे युवा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अभी युवा इसमें आपको मिलेंगे। और एक ड्रेस बिल्कुल कृष्ण भगवान की पूरी, जब हम वेशभूषा में जब जाएंगे सब एक ही ड्रेस में सब मिलेंगे आपको, तो ये बहुत ही भव्य होने वाला है दोस्तों। आपको यहाँ के लोकल लोग तो लोगों को तो पता है ही, जो वीडियो आप बाहर भी देख रहे हैं जैसे चकुटिया दौराहाट या अन्य कहीं पर भी आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल एक बार जरूर आइए देखें। इस बार जैसे पिछली बार देखा होगा आपने, मैराथन हुई थी, उसके बाद वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई थी, बहुत अच्छा। इसी बार हमारे गुड्डू भाई इसी को शुरुआत कर रहे हैं और ये हमारे क्षेत्र क्या मुझे लगता है कुमाऊं में शायद पहली बार हो रखा होगा भाई साहब। हाँ, क्योंकि ये वृंदावन से स्पेशल वहाँ से लट्टू गोपाल झूले में बैठ के उनको लाया गया है और यहाँ पर हम अपने मंदिर से फिर कलश यात्रा के साथ उनके जहाँ पर मंदिर है मासी में तल बाजार में उनका मंदिर है, वहीं से 19 तारीख को फिर डोला उठेगा और 19 तारीख को ही रामला ग्राउंड में सारे गायक कलाकार जो अपने कुमाऊं क्षेत्र के गायक कलाकार हैं, किशन हरियाला जी और रमेश बाबू गोस्वामी जी और भी बहुत ही जो अपने कुमाऊं के गायक कलाकार हैं, पूरा उनका सेटअप आ रहा है, दो गाड़ियों का सेटअप है उनका। और आप आइए वहाँ पर देखिए, देखो अपने कुमाऊं का जो मेले हो रहे कल्चर हो समाप्ति की ओर अग्रसर है आप जानते हैं। और इस बार हम चाहते हैं कि इस बार हमने सोमनाथ भी उसी तर्ज पर किया था, 3 दिन में खत्म हो जाता, हमने 1 हफ्ते का करवाया था और इस बार हमने जन्माष्टमी का प्रोग्राम इतना भव्य करने वाले हैं, 2 दिन का होगा ये भी, 18 और 19 को, 18 को तो कलश यात्रा और कीर्तन भजन होंगे और 19 को जब हमारा डोला उठेगा उस दिन बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम और रथ चलेगा उनका पूरा टीम और इसमें स्कूली बच्चे भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबह में मुझे स्कूल के प्रधानाचार्य वगैरह मिले थे, उन्होंने कहा हमारे बच्चे भी इसमें प्रतिभाग करेंगे और वो भी मटका जैसे कि मटकी तोड़ने का उनका आप बच्चे मटके तोड़ते हैं वो प्रोग्राम भी चौराहे पर उन्होंने रखा है और ये उसी के साथ साथ ही होगा आगे से टोले के साथ साथ ही ये कार्यक्रम होगा। हाँ, इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है और कोशिश कीजिए आने की। जय हो, राधे राधे। राधे राधे। अब आ चुकी हमारे गांव के महिला अपना समर्थन देने के लिए सफाई अभियान में, जैसे आप देख सकते हैं सभी भाभियां आ चुकी हैं। ये देखिए दादी बड़ी होगी ना, यहाँ दादी बड़ी होगी क्या ना, ये ज्यादा बड़ी होगी। जैसा कि हमारे बड़े भाइयों द्वारा आपको सभी को बता दिया है कि 2 दिन का 18 और 19 तारीख किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस प्रकार से आयोजन है, तो हमारे गांव द्वारा आप सभी का स्वागत है इस भव्य और ऐतिहासिक मेले में जो होने वाला है ग्राम सभा मासी में, चक डोबरी और मासी ग्राम सभा में होने वाला है यह भव्य ऐतिहासिक मेला। तो आप सभी का स्वागत है हमारे ग्रामवासियों द्वारा इस मेले में और 18 और 19 तारीख भव्य जन्माष्टमी मेला आयोजित किया गया है, तो आप भी इस भव्य और ऐतिहासिक मेले में ज़रूर आएँ और इस ऐतिहासिक मेले में आके इसे और भी भव्य रूप। तो फिर आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आज के लिए इस ब्लॉग की समाप्ति भी करते हैं, तो आज के लिए राम राम टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।